रहना। फिलहाल हम पहुंचे डबो मंडी में, जहां पर सुना ही है कि हड़ताल करने पे उतरे हुए हैं। यहाँ पे सारे प्रधान अभी मौजूद हैं। आइए एक बार जानते हैं कि क्या मामला था पूरा, क्या हुआ है, क्या मामला है सर पूरा। जी, मंडी आह्वान का मामला है ये। हाँ जी, 20 तारीख को पूरी हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी। ठीक है, ये किस लिए मंडियां बंद करी जा रही हैं, हड़ताल वैसे किस चीज के ऊपर आपकी क्या समस्या आ रही है? जो सरकार ने एक काला कानून हमारे ऊपर थोपा है उसके विरोध में है। जी, जो टैक्स लगाया उसके विरोध में, टैक्स के ऊपर है। तो ये टैक्स आपका कब से चालू हुआ है, कब से लागू हुआ पड़ा है? ऐसा है, 2013 में ये टैक्स माफ कर दिया था सब कांग्रेस सरकार ने। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, उन्होंने भी 5 साल अपना राज चलाते रहे। 2020 में कोरोना टाइम में, तो कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पर ये बोला था कि भाई आप देश में संकट है, 2% आप फीस दो, आपका ये पैसा भी गरीबों को जाएगा और इस चीज़ को रूटीन में रखो। तो 2 साल तक हम उसको देते रहे। हमारी 2 साल बाद इनसे फिर बातें दोबारा स्टार्ट होगी, तो भाई इसको माफ़ करो, कोरोना देश में है नहीं और टैक्स आज भी हम दे रहे हैं। उसके लिए हम बैठे आपस में, सरकार से बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई राज्य सरकार ये कैसे चलेगा अपना डिपार्टमेंट। उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपके लाइसेंस पे 10% या 15% जो भी हमें लगाना है उसके लगाकर एक मुश्त फीस कर देंगे। वो चीज़ें तो बंद कर दी, अपने हिसाब से इन्होंने स्लैब बना दिए और आज पोजीशन ये है। और जिस आदमी ने पीछे 5 लाख रुपए टैक्स दिया था वो जाके अगले एडवांस में 7.5 लाख रुपए देगा और हर 10% हर साल बढ़ाएगा, तो उसके हम विरोध में हैं। हम इस चीज़ को नहीं सहन कर पाएंगे, इतना काम हमारे पास नहीं है जो सरकार की सारी चीज़ें हम मान लें। और ये अभी अब तक आप लोग कितना टैक्स पे कर चुके हैं? ये तो चलता रहता है, जैसा माल आता है वैसा, जब से टैक्स चल ही रहा है। हाँ हाँ जी भाई साहब, जी क्या कह रहे हैं? हमारी कमीशन आज भी वही 5% है। हाँ जी, एक पहले दे रहे थे जी, हमारी कमीशन आज भी वही 5% है जैसे पहले दे रही थी। हमारा टैक्स कोई नहीं बढ़ा, सरकार का टैक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हम विरोध कर रहे हैं इसका, काला कानून वापस हो, आने वाले टाइम में हमें राहत मिले। अगर नहीं मिलती राहत तो अभी तो आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है, आने वाले टाइम में हो सकता है शायद। तो वैसे देखा जाए टैक्स और GST तो वैसे लगभग सभी चीज़ों पे लगाई जा रही हैं। GST एक अलग चीज़ है, हमारे इस पर मार्केट कमेटी का टैक्स लगता है। अच्छा, जो माल आएगा कमीशन एजेंट है हम लोग, जो माल आएगा उसी पर टैक्स देंगे। एडवांस में कैसे दे देंगे? एक साल बाद की तुम्हें नहीं पता तुम क्या करोगे? एडवांस टैक्स कैसे देंगे? एडवांस टैक्स के ऊपर हम विरोध करते हैं इसका, और इसके लिए हम 20 तारीख को मंडी बंद कर रहे हैं। सरकार ने हमें दी है। तो 20 तारीख को जो सब्जी मंडी बंद है, फरीदाबाद में या फिर पूरे हरियाणा मंडियां बंद हैं? 162 मंडियां हैं जिसमें 113 कमेटियां हैं, वो 162 मंडियां बंद है हरियाणा की 20 तारीख को। हाँ जी भाई साहब, ये काला कानून वापस लिया जाए, हम जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम नहीं बैठेंगे। 20 तारीख को एक दिन की हड़ताल है, हो सकता है उसके बाद हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करें पूरे हरियाणा में। मामला क्या है, हड़ताल किस चीज़ के लिए करी जा रही है? मामला ये एडवांस टैक्स ले रहे हैं, माल आया नहीं, अभी खेत में पैदा नहीं हुआ, उससे पहले माल हमसे टैक्स मांग रहे हैं। जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई उस पर टैक्स कौन लेता है? जी बिल्कुल सही बात है, साल में 3 दफ़ा आलू पैदा होता है, ये टैक्स आज ही ले रहे हैं। संतरा 2 दफ़ा पैदा होता है साल में, वो टैक्स आज ही ले रहे हैं, पैदा होने से पहले ही टैक्स ले रहे हैं सामान, कौन देगा इनको? हाँ जी भाई साहब, जी क्या कहना चाहेंगे टैक्स को लेकर? टैक्स को लेकर के यही है कि सरकार इसको हमारी फीसें जो हैं वो माफ़ करी जाएं, और एडवांस में टैक्स हम कहाँ से देंगे भाई? टैक्स अगर हम आगे से लेंगे जब ही तो तुम्हें टैक्स देंगे। आज तक हमारा जब से ये कमेटी बनी है मार्केट कमेटी, उस दिन से आढ़तियों का 5% कमीशन रहा है, आज तक कभी भी 6 भी नहीं करा गवर्नमेंट ने। तो अब ये बताओ ना, एडवांस में टैक्स कहाँ से देंगे? आज हम कमाएंगे तो आज का ही तो टैक्स दे सकते हैं, आप हमसे 1 साल पहले का टैक्स मांगोगे तो हम कहाँ से देंगे? तो इस विरोध में हमारी ये हड़ताल है। 20 तारीख को हड़ताल है, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे हम। ठीक है जी, फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और मंडी के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि अंधा कानून बताया जा रहा है कि सरकार अभी कुछ हुआ भी नहीं है और टैक्स लगाया जा रहा है, पहले से एडवांस टैक्स मांगा जा रहा है। फिलहाल देख सकते हैं, बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। मैं रोन जाना सिटी न्यूज़ 100 से।